हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज का रेसिपी कांजी, होममेड कांजी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। गाजर और बीट का कांजी बनाऊंगी। इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दो गाजर लंबा स्लाइस में कट के रखा, एक बीट को लंबा स्लाइस में कट के रखा, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, आधा चम्मच सोप पाउडर, आधा चम्मच राई पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। एक कांच का जार ले लिया, उसमें सारे गाजर और बीट को ऐड कर देती हूँ। सारे मसाला भी ऐड कर देती हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, सोप पाउडर, राई पाउडर और दो ग्लास पानी। और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। पानी इतना होना चाहिए, सारे वेजिटेबल पानी के अंदर डूब के रहे। इसके लिए ऐसे व्हाइट एक कॉटन का कपड़ा ले लिया और रबर बैंड लगा के हवा अंदर आए जाए इसके लिए एक कॉटन का कपड़ा लगाया और धूप में दो दिन रखूंगी, फिर बाद में दिखाती हूँ। देखिए सिकंजी कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। दो दिन धूप में रखा था, कलर भी बहुत अच्छा आया बीटरूट और गाजर का। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जो लोग को पेट का तकलीफ होता है ऐसे बना के देंगे तो बहुत अच्छा है। ग्लास में सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी हेल्दी कांजी बनके रेडी हो गया। ऐसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।